अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह सूरत तौबा, जिसका दूसरा नाम अलबरा भी है और एक और नाम सूरत फातिहा भी है। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं आयत नंबर 103 से, आयत नंबर 103 से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आयत नंबर 103 और 104 जो है सदक़े के मुतालिक आयात हैं इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। तो हम इंशाल्लाह आयत नंबर 103 से शुरू करेंगे। 11वां पारा है हमारा और सूरह तौबा है। तो पहले हम तिलावत सुन लेते हैं आयत नंबर 103 और 104 की, 103 और 104 इंशाल्लाह सबके से मुतालिक आयात हैं। तो ये थी हमारी आयत 103 104। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं 103 से। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, खुद ली ले लीजिए मिन अमवालहिम, मिन से अमवाल माल की जमा, इनके मालों से। आप सबसे से अल्लाह ताला मुखातिब है कि इनके मालों से ले लीजिए, सदक़तन सदका, तो ताहिरुहुम तू आप ताहिरु पाक कीजिए हम उन्हें, तू ताहिरु हम आप पाक कीजिए उन्हें, व तू जक्की हिम व और तू आप जक्की तस्किया कीजिए हिम इनका, व तू जक्की हिम और आप तस्किया कीजिए उनका, बिहा बी साथ हा उसके, वसल्ली व और सल्ली दुआए रहमत कीजिए, अलैहिम अला पर हिम उन, अलैहिम उनके हक में, इन्ना बेशक, सलात का सलात सला सलात दुआ का आपकी, सलात का दुआ आपकी, सकनुन सुकून का जरिया है, लहुम उनके लिए, वल्लाहु और अल्लाह, समीउन खूब सुनने वाला, अलीमुन खूब जानने वाला है। जमा तर्जुमा रनिंग ट्रांसलेशन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनके अम्वाल में से सदका लेकर उन्हें पाक करो और नेकी की राह में उन्हें बढ़ाओ और उनके हक में दुआए रहमत करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ उनके लिए वजह तस्कीन होगी, अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। तो अब हम आयत की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप सल्लम से के खुज मिन अम्वालिहिम सदकतन, आप इनके मालों से सदका लीजिए। सदका इनके मालों से क्यों लीजिए? क्योंकि जो ये होता है ना कि कुछ गलतियाँ हो गई और गलतियाँ इंसान से हो जाती है, तो सदके से जो होता है गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सदका वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदका अल्लाह के गज़ब को भी ठंडा करता है। तो आपसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे सदका ले लीजिए, क्योंकि तुताहिरुहुम तुम पाक कर दो, क्योंकि सदके से पाकी हासिल हो जाती, माल पाक हो जाता है, ज़ाहिरी पाकी भी हासिल होती है। तीन और साफ कर दो उन्हें भी, हाँ उससे सदके से उन्हें साफ कर दो, ठीक है, पाक कर दो। वसली और आप सब से फरमाया जा रहा है कि और दुआ करो, ठीक है, उनके लिए दुआ करो। तो सली जो है मतलब नमाज भी होता है, सली का मतलब दुआ भी होती है, रहमत भी होती है, नमाज में दुआ रहमत सब आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दुआ मतलब है वसल्ली अलैहिम, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ भी करिए, क्योंकि जो सदका देते हैं उनके लिए दुआ करें। इन्ना सलातका, बेशक आपकी दुआ सकनुन लहुम उनके लिए सुकून है का जरिया होगी, वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह ताला खूब सुनने और जानने वाला है।
तो खुज मिन अमवालिहिम सदकतन, आप इनके मालों से सदका ले लीजिए जिसके जरिए से आप इनको पाक कर दें, उनके लिए दुआ कीजिए। तो यहाँ अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि खुज मिन अमवालिहिम सदकतन, ये हुक्म आम है। सदके से मुराद फर्जी सदका यानी जक़ात भी हो सकती है और नफरी सदका भी हो सकता है। तो नबी सल्लम को कहा जा रहा है कि इस सदके के जरिए से आप मुसलमानों को की तत्हीर और उनका तस्किया कीजिए, जिससे ये बात हमें समझ में आती कि ज़कात और सदका से इंसान के अखलाक व किरदार की तहारत और पाकिजगी होती है। ये एक बड़ा जरिया है। इसके अलावा सदके को सदका इसलिए कहा जाता है कि ये इस बात की दलालत करता है कि खर्च करने वाला अपने दावा ईमान में सादिक है कि नहीं। क्योंकि ईमान का दावा क्या, कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तो सारी बातों पे ईमान ले आया, फरिश्तों पे, रसूल पे, अल्लाह की किताब पे, और जो कुछ अल्लाह ने किताब में कहा है वो सच है, भरा के जालिकल किताबु ला रही बफी, तो मैं ईमान ले आया। तो सदका या जक़ात जो है इंसान के दावे की दावा ईमान की भी सदाकत करता है ना, कि इस पर दलालत करता है कि खर्च करने वाला अपने दावा ईमान में सच्चा है, सादिक है। दूसरी बात ये मालूम होती है कि सदका वसूल करने वाले को सदका लेने वाले के हक में दुआए खैर करनी चाहिए। ठीक है, तो जो सदका लेने वाला है उसके हक में भी दुआ करनी चाहिए। जिस तरह यहाँ अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को दुआ करने का हुक्म दिया कि आप इसके मुताबिक दुआ फरमाया, तो आप भी दुआ फरमाया करते थे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि इनके लिए दुआ भी कीजिए, इनसे सदका भी लीजिए और दुआ भी कीजिए। तो कोई भी आप फंड करती है ना, बाद हम गरीबों के लिए इकट्ठा करते हैं, कहीं शादी के लिए पैसा नहीं होता है, कहीं कर्जा देना होता है, कहीं खर्च पूरा नहीं कर रहा होता है, तो जो भी आपको डोनेशन देते जाए उसके लिए दुआ भी कीजिए, क्योंकि यह हुक्म है। तो इस हुक्म से के उमूम से ये इस्तदलाल भी किया गया कि ज़कात की वसूली इमाम वक्त की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ससम को कहा जा रहा है ना, तो ज़कात जो है मुस्लिम कंट्रीज में जो इमाम होता है, वक्त का जो इमाम होता है, लीडर होती है, ज़कात कलेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी होती है। और ये आप ससम के जमा वक्त में भी ये था, क्योंकि आप तो अल्लाह के नबी थे, आपके तो वही नाजिल होती थी, फिर खदशा खुलफा राशिदीन भी यही करते थे, फिर दूसरे उनके बाद दूसरे खलीफा आए उनका भी यही था कुरान और सुन्नत के मुताबिक के इमाम जो वक्त का होता था उसकी जिम्मेदारी थी लोगों से जक़ात वसूल करना। ठीक है, आजकल तो ऐसा नहीं है। अगर कोई इसे इनकार करे तो आप खुद दे देते हैं ना सब, अगर कोई इसे इनकार करे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदे अल्लाह अनु और साहबा कराम रदे अल्लाह अनु के तर्ज अमल की रविश में इसके खिलाफ जिहाद जरूरी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदे अल्लाह अनु के जमाने में कुछ लोगों ने जो है जकात देने से इनकार किया था, तो आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने और साहबा कराम ने उनके खिलाफ जिहाद किया था। तो अभी हम तफसीर थोड़ी देर में देखते हैं, 104 की तफसीर, वट टू वट करके तफसीर थोड़ी सी करके, अब 104 की तरफ आते हैं। वट टू वट ट्रांसलेशन, अलम क्या नहीं, या अलमू उन्हें क्या उन्हें इल्म नहीं, अलम क्या नहीं या अलमू वो जानते हैं, अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह हुआ वही यकबलू वो कबूल करता है, अतौबता तौबा को अन इबाद ही अपने बंदों से, वया खुजू और वो ले लेता है, असदकाती सदकतन सदकतन की जमा सदके की जमा सदकात, व अन्ना व और अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह हुआ वही है, अत्तवाबू बहुत तौबा कबूल करने में, अलिफ आता है तो जो है वो बहुत हो जाता है ना, अत्तवाबू बहुत तौबा कबूल करने वाला, और रहीम नहायत रहम करने वाला। रवा तर्जुमा देखते हैं इंशाल्लाह, रनिंग ट्रांसलेशन, आयत 104, क्या उन लोगों को मालूम नहीं है कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनकी खैरात को कबूलियत अता फरमाता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और रहीम है। आयत की तरफ आते हैं कि 104, अब हमने पिछली आयत में पढ़ा ना कि अल्लाह ताला आप ससम को हुक्म देते हैं कि आप इनसे क्या ले लें, खुज मिन अमवालिहिम सदकतन, उनसे आप सदका ले लें ठाके, तो उनके गुनाह जो है माफ हो जाए, जो भी गुनाह हो गए तो माफ हो जाए और उनको तस्किया नफ्स भी हो जाए। तो अब अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि अलम या अलमू क्या उन्हें इल्म नहीं, क्या इल्म नहीं कि अल्लाह के बेशक अल्लाह हुआ यकबुल तौबता वो तौबा कबूल करता है, अनिबादी अपने बंदों से तौबा भी कबूल करता है, वया खुजु सदकाती और
सदके भी कबूल करता है, वान अल्लाह व तवाबु रहीम, और बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और नहायत रहम फरमाने वाला है अल्लाह ताला। तो सदकात जो है कबूल फरमाता है अल्लाह ताला का मतलब ये है कि बशर्ते के वो हलाल की कमाई हो, ठीक है। अलम यालमु अन्नल्लाह व यकबुलु तौबता अन इबादी व याखुज़ु सदकाती, के वो तौबा भी कबूल करता है और सदकात भी कबूल करता है। तो सदकात कबूल फरमाता का मतलब ये है कि हलाल कमाई हो, सदके देने में कमाई हलाल हो तो उसमें अल्लाह ताला इजाफा फरमाता है, बढ़ोतनी होती, सदका देने से माल बढ़ता है, इजाफा होता है। और हदीस में भी आया कि नबी ससम ने फरमाया, स्क्रीन पे हदीस देखें, कि अल्लाह ताला तुम्हारे सदके की इस तरह परवरिश करता है जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है, हत्ता के एक खजूर के बराबर सदका बढ़ बढ़कर और पहाड़ की मिसल हो जाता है। यानी आप एक खजूर भी अल्लाह ताला उसको इतना बढ़ाते हैं, हलाल कमाई हो और खुलूस से नियत हो, ईमान की तस्दीक आपकी हो रही हो कि आपने वाकई खुलूस से नियत से दिया, आपका ये ईमान है कि अल्लाह ने कहा है तो हमें उस पर अमल करना है, तो एक अल्लाह ताला इतना बढ़ा देते हैं कि अगर एक खजूर हो तो बढ़ बढ़ के और पहाड़ की मिसाल अल्लाह ताला उसकी देते हैं कि उसके बराबर मैं कर देता हूँ, इस तरह उसकी अल्लाह ताला परवरिश करते हैं। ठीक ठीक है। जैसे कि एक जानवर हम पालते हैं, जैसे घोड़े के बच्चे की, कि घोड़े के बच्चे को पालता है, मालिक घास खिलाता है, फिर वो कितना बड़ा घोड़ा हो जाता है, फिर आगे उससे नस्लें चलती है, घोड़े के और बच्चे पैदा होते हैं। तो इस तरह हमारे सदकात को अल्लाह ताला परवरिश देते हैं, चाहे खजूर की हो, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो कम भी है तो सदका करे, ये नहीं कि फना तो $1,000 बॉक्स में डाल रहा है, फना तो 500 दे रहा है, फना तो 100, मेरे पास सिंगल भी है, $1 भी है, तो मेरी नीयत आपकी है, मेरी नीयत में अखलास है, अल्लाह को पता है ना, अल्लाह ने माल दिया कि हमारे पास कितना है, हमारी नीयत में खुलूस है, तो अल्लाह ताला उसको इतना बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा बढ़ा बढ़ा के अल्लाह ताला देंगे। फिर हम देखते हैं कि सदका माल का तस्किया, अल्लाह ताला अपने रसूल ससम को हुक्म फरमाता है कि आप इनके मालों का सदका लिया करें ताकि इस वजह से उन्हें पाकी और सुथराई हासिल हो, और इसकी जमीर का मुरज्जा बास के नजदीक वो मुसलमान है जिन्होंने अपनी नेकियों के साथ कुछ बुराइयां भी कर ली थी, लेकिन हुक्म इसका आम है। कुछ लोग ये समझते थे कि जिनकी बुराइयां और नेकियां खल्फ मल थी तो वो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सदका और जक़ात सबको देना है, लेकिन हुक्म इसका आम है। अरब के बास कबीलों को इसी से धोखा हुआ था कि ये हुक्म खास है, ये हुक्म खास नहीं, आम है सबके लिए, आजम के साथ। इसी वजह से उन्होंने खलीफा बरहक हजरत अबू बकर सिद्दीक को जक़ात को फर्ज मानकर जक़ात देने से इनकार किया था, जिस पर आप अबू बकर सिद्दीक ने बाकी सहाबा रदी अल्लाह अनु के उनसे लड़ाई की कि वो जक़ात खलीफत रसूल को उसी तरह अदा करेंगे जिस तरह रसूल अल्लाह ससम को अदा करते थे, यहाँ तक कि अगर वो एक बच्चा ऊँटनी का या एक रस्सी भी ना देंगे तो भी उनमें उनसे लड़ाई जारी रखूंगा। हुक्म होता है कि उनसे जक़ात ले और उनके लिए दुआएं कर। तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के खिलाफत के जमाने में कुछ लोगों ने इनकार कर दिया था कि ये तो आम हुक्म नहीं है, खास हुक्म है। तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु साहबा कराम ने जिहाद किया था उनके खिलाफ, तो जब तक जिहाद किया जब तक वो देने पे आमादा ना हो गए। चुनाचे सही मुस्लिम की हदीस है कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन उबई औफा रदी अल्लाह अन्हु के वालिद आपके पास अपना सदका लेकर आए तो हसबे आदत आपने दुआ की कि ए अल्लाह आले अभी औफा पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। इसी तरह जब आपके पास किसी कौम का सदका आता तो आप उनके लिए दुआ फरमाते। एक औरत ने आपसे आके दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए और मेरे खाविंद के लिए दुआ कीजिए। आप सबने फरमाया सल्लल्लाहु अलैका व अला ज़ौजिका सलावातका, ठीक है। तो एक किरात सलावातका की और दूसरी सलावातिको है। तो पहली जो है सलावातका जो है वाहिद है, और सलावातिकु ये जो है जमा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरी दुआ उनके लिए अल्लाह की रहमत का बाइस है। अल्लाह ताला ने सकन का अल्फाज इस्तेमाल किया ना, सुकून का, तो अल्लाह ताला आपसे फरमाते हैं कि आप उनके लिए रहमत की दुआ कीजिए, क्योंकि आपकी दुआ उनके लिए रहमत का बाइस है, उनके लिए वकार और इज्जत का सबब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुनने वाला है और उसे भी वो खूबी जानता है कि बखूबी जानता है कि कौन उन दुआओं का मुस्तहिक है, कौन इसका अहल है। मसनद अहमद में है कि रसूल अल्लाह जब किसी के लिए दुआ करते तो उसे और उसकी औलाद को, उसकी औलाद
उसकी औलाद को पहुंचती, यानी औलाद की उसकी औलाद को पहुंचती। फिर फरमाया क्या उन्हें उतना भी इल्म नहीं कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाने वाला है, वही उनके लिए सदकात लेता है। उसमें बंदों को तौबा और सदके की तरफ बहुत ज्यादा रग़बत दिलाई गई है इस आयत में कि तौबा करो बहुत और सदका बहुत दो। ये दोनों चीज़ें गुनाहों को दूर कर देने वाली हैं, उन्हें माफ़ कराने वाली और उनको मिटा देने वाली, ये आयत बताती है। तौबा करने वालों की तौबा अल्लाह अज़्ज़ोजल कबूल फरमाता है, और हलाल कमाई से सदका देने वालों का सदका अल्लाह ताला अपने दाएं हाथ में लेकर सदका करने वाले के लिए उसे पालता है, यहाँ तक कि एक खजूर को ओहद के पहाड़ के बराबर कर देता है। जिस तरह अभी आपने हदीसें देखी ना आपने, दोनों हदीसें, कि आपसे हम दुआ भी करते हैं और अल्लाह ताला उसको बढ़ाते हैं। चुनाचे तिर्मिजी वगैरह में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला सदका कबूल फरमाता है, अपने दाएं हाथ में उसे लेता है, और इस तरह जिस तरह तुम अपने को पालते हो उसी तरह अल्लाह ताला उसे बढ़ाता रहता है, यहाँ तक कि एक एक खजूर ओहद के पहाड़ के बराबर हो जाती है। इसकी तस्दीक अल्लाह ताला अज़्ज़ोजल की किताब में मौजूद है। फिर इसी आयत का यही जुमला आपने तिलावत फरमाया, और अल्लाह ताला का ये फरमान भी है, इरशाद बारी ताला है, यमहकुल्लाहु रिबा वयुर्बिस सदकात। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन अथीम। अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता, यानी सूद को अल्लाह ताला घटाता है और सदके को बढ़ाता है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सदका अल्लाह अज़्ज़ोजल के हाथ में जाता है इससे पहले को साहिल के हाथ में जाए। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। इब्ने असाकर में है कि ये बहुत बड़ा अच्छा, एक इतना अच्छा वाकया है कि अभी मैं बयान कर रही हूँ, तो इसको गौर से सुने, आप लोग गौर से ही सुन रही होती हैं, तो जो है उसमें देखें कि किस तरह आयत का मतलब तदब्बुर और तफक्कुर कितना होता है लोगों का, कि आयत का मतलब किस तरह समझ में आता है कुछ लोगों को, कुछ जो फकीह होते हैं उनको, जो फिक्र जिनको आ रही आती होती है। और जो है हम देखते हैं कि आप सब ने भी उस आयत का किस तरह मतलब लिया, कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जो है उनके लिए 70 इस्तगफार करें या ना करें, तो ठीक है, और चाहे आप 70 मरतबा भी इस्तगफारात करें मुनाफिक के हक में तो मैं कबूल नहीं करूंगा। तो आप सब ने क्या फरमाया कि मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है मैं 70 से जायद मरतबा इस्तगफारात करूंगा। तो फिर बाद में आयत आ गई कि नहीं, इस्तगफार भी नहीं करना और नमाज भी नहीं पढ़ानी। तो मैं सोचती हूँ जब मैं ऐसा भी ये वाकया पढ़ेंगी ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनेंगी तो, कि किस तरह कुरान को हमें तो समझ ही नहीं आ रही होती है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। इसीलिए तो वो दुआ भी हमने पढ़ी थी ना कि क्या है अल्लाह, वो जो क्या दुआ है किसी को याद है बताएं, अल्लाहुम्मा ज़िदनी तफक्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलू लिसानी मिल किताबिक वल फहमलू वल मारिफत बिमानी। तो ये दुआ बहुत पढ़ा करें कि या अल्लाह मेरी जबान जो पढ़ती है उसमें मुझे कुरान के अल्फाज तफक्कुर और तदब्बुर दे, और इसके जो अजायबात में मुझे इल्म हासिल दे अजायबात का, और मेरे अमल भी इस पे ऐसे ही हों और मुझ पे इसको खोल दे। तो ये दुआ क्या करें, जब भी तो हर दर्स के आखिर में हम पढ़ रहे होते हैं रब्बी शराली सदरी ना, कि अल्लाह शराह सदर अता फरमा। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे, ऐसा तदब्बुर और ऐसा तफक्कुर हमें कुरान में आ जाए। तो ये वाकया ऐसा है कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि सदका अल्लाह अज़्ज़ोजल के हाथ में जाता है इससे पहले कि वो साहिल के हाथ में जाए। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। इब्ने असाकर में है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुसलमानों ने जिहाद किया, जिसमें उन पर हज़रत मुआविया भी खलीफा हुए थे ना, आपको पता है खुलफाए राशिदीन तो है, उसके बाद हज़रत मुआविया भी थे। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मुसलमानों ने जिहाद किया, जिसमें उन पर हज़रत अब्दुलरहमान बिन खालिद इमाम थे। ठीक है, इन्होंने जिहाद किया तो उसमें हजरत अब्दुलरहमान बिन खालिद इमाम थे। मुसलमानों में से एक शख्स ने माले गनीमत में से 100 रूमी दिनार चुरा ली। ठीक है, एक शख्स ने माले गनीमत में से 100 रूमी दिनार चुरा ली। जब लश्कर वहां से लौट कर वापिस आया तो उसे सख्त नदामत हुई कि मैंने क्या कर लिया, मैंने चोरी कर ली। तो वो इन दिनारों को लेकर इमाम के पास आया, जो के कौन थे, अब्दुलरहमान बिन खालिद थे। तो इमाम के पास आया, लेकिन उन्होंने इनके लेने से इनकार कर दिया कि मैं अब लेकर क्या करूं, लश्कर तो मुतरफिक हो गया, जाहिर जंग खत्म हो गई, लश्कर ने जहां जाना था इधर उधर सब चले जाते हैं ना अपने अपने घरों पे, तो अब मैं कैसे बांट सकता हूँ। तो अब तो उसे तू अपने उस तू अब वो कहते हैं
उसको कि अब तू उसे अपने पास ही रहने दे, कयामत के दिन अल्लाह ताला के पास ही लाना। उसने फिर वो क्या करा, जब इमाम ने ये कह दिया तो जो है उसने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम से पूछना शुरू किया, लेकिन हर एक यही जवाब देता रहा। अब ये मिस्कीन, चूंकि चोरी की थी ना, ये मिस्कीन इन दिनारों को हजरत माविया रदी अल्लाह अन्हु के पास लाया, क्योंकि उस वक्त वो उस इलाके के खलीफा थे, और हरचंद कहा कि आप उन्हें ले लीजिए, लेकिन आपने भी ना लिए। अब जंग के इमाम थे, उन्होंने भी मना कर दिया, साहबा कराम ने भी मनाया। अब चोरी तो उसने कर ली, उसे जो है रिग्रेट फील हो रहा था। अब वो खलीफा खलीफा माविया के पास है, उन्होंने भी मना कर दिया। अब तो ये रोता पीटता वहां से निकला, रास्ते में उसे हजरत अब्दुल्ला बिन शाके सकसकी रहमतुल्ला अलैह मिले। ये मशहूर मशकी हैं, असल में हम्स के हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़े फकीह थे। उन्होंने पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उस शख्स ने अपना तमाम वाकया बयान किया कि जंग हुई और मैंने माले गनीमत चुरा लिया, अब मुझे जो है बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। तो जो है ये जो है अब्दुल्ला बिन शाकिर जो है फरमाते हैं कि अच्छा, जो मैं कहूँगा वो करोगे? तो उसने कहा यकीनन। तो आपने फरमाया जाओ खुम्स तो हजरत माविया रदी अल्लाह अन्हु को दे आओ, ठीक है, यानी 20 दिनार, ठीक है, यानी कि 100 दिनार उसने चुराए थे ना। तो वो कहते हैं अब्दुल्ला बिन शाकिर के तुम जो है खुम्स हजरत माविया रदी अल्लाह अन्हु को दे आओ, यानी 20 दिनार, और बाकी के 80 दिनार अल्लाह की राह में इस पूरे लश्कर की तरफ से खैरात कर दो, ठीक है। अल्लाह ताला इन सबके नाम और मकान जानता है, जो जो लश्कर आया था अल्लाह को मालूम है ना, सबके नाम भी मालूम है, सबके मकान भी जानता है, और वो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। तो इस शख्स ने यही किया। हज़रत माविया रदी अल्लाह अन्हु को जब ये खबर पहुंची तो आपने फरमाया वल्लाह, मुझे अगर ये मसला सूझ जाता और मैं इसे ये फतवा दे देता कि तुम जो खुम्स हजरत माविया को दे दो, क्योंकि वो खलीफा है वक्त के, ठीक है, तो वो जो है दीन के कामों में इस्तेमाल कर लेंगे, और बाकी उसे 20 दिनार बनते थे, बाकी 80 दिनार तुम जो पूरा लश्कर था उस पर खैरात कर दो। तो अगर ये मसला मुझे सूझ जाता और मैं उसे ये फतवा दे देता तो मुझे अपनी सारी सल्तनत और मिल्कियत से ज्यादा महबूब था। उसने नहायत अच्छा फतवा दिया कि अभी वो तो खलीफा थे, सल्तनत थी, मिल्कियत थी हजरत माविया के पास, उसके बावजूद भी जब उनको ये अब्दुल्ला बिन शाकिर का फतवा पता चला तो वो कहते हैं कि मुझे अगर ये फतवा सूझ जाता, मेरी ये समझ में आ जाता, तो मैं मेरी सारी सल्तनत और मिल्कियत उससे ज्यादा ये मुझे फतवा महबूब होता, यानी दीन को, फतावे को, किसी को अल्लाह की राह में चलाने को, कोई रास्ता अच्छा दिखाने को, जो है फतवे देने को, सीधी राह पे लाने को, किसी का मसला हल करने पे कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कितना उसको ये बड़ा मकाम समझते थे सल्तनत और मलकियत से, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमईन। अब मुझे ये बताइए, एक हिसाब किताब कैलकुलेशन करते ना, तदब्बुर की बात हुई है, हमारे पास भी कोई मसला आ जाए कि भाई कुरान के स्टूडेंट हम तो नहीं अभी फतावा लेवल पे, तो हम पूछ के बताते हैं ना, स्कॉलर्स से पूछते हैं, हम कुरान देखते हैं, हदीस देखते हैं, मैं और आप तो यही कर रहे होते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि जब ये शख्स जिसने चोरी की थी, सब लोग प्लीज, और अपने जो है जिसकी समझ में आता है वो अनम्यूट करे, मुझे जवाब दे। यहाँ कैलकुलेशन भी है और अनफाल की सूरत, और अनफाल में जो आपने पढ़ा उसकी भी बात है। तो हजरत माविया उससे कहते हैं कि तुमने 100 दिनार चोरी किए, ठीक है, तो अब तुम क्या करो कि खुम्स तो हजरत माविया रजी अल्लाह अनु को दे आओ। खुम्स क्या होता है? 1/5, है ना, पांचवा हिस्सा, खुम्स, खुम्स खमसा कहते हैं पांच को। तो उसने क्यों, उन्होंने क्यों कहा अब्दुल्ला बिन शाकिर ने उस आदमी से कि खुम्स तो खलीफा वक्त को दे आओ? तो सूरत अनफाल का मैं आपको रेफरेंस देती हूँ, क्या समझ में आता है खुम्स से कि खलीफा वक्त को क्यों खुम्स दे, पांचवा हिस्सा क्यों दे 100 में से? क्योंकि उसमें यही कहा गया कि पांचवा हिस्सा जो है वो खलीफा वक्त का होगा, या जब इसलिए पाक का जमाना है तो उनको दिया जाएगा। जजाक अल्लाह खैर, आपसे सम को फरमाया गया था, बिल्कुल जजाक अल्लाह खैर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूरत अनफाल में हमने पढ़ा था कि माल गनीमत जो है, जो जंग के बाद फतह होती है तो मुसलमानों के हिस्से में आता है, तो उसके अल्लाह ताला ने तकसीम बता दी थी आपसे सम को, क्योंकि सहाबा कराम ने पूछा था कि अब माल गनीमत पहली उनकी जंग की ना, जंगे बदर, तो उनको मालूम नहीं था, वहां तो लूट खसूट होता था, जिसने जो उठाया, जिसको जो मिला वो लेके चल देता था। तो अब तो दीन दीन इस्लाम आ गया था, तो अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि
पांचवा हिस्सा जो है उसको जाएगा अल्लाह और रसूल को, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि बाकी 80 दिनार, अवल तो मुझे ये बताएं कि 100 दिनार के 20 दिनार कैसे बने उसके लिए, अल्लाह और रसूल के लिए। क्योंकि वो 1/5 हिस्सा जो है, पांचवा हिस्सा जो है वो हाँ, 20 हो गए, पांचवा हिस्सा 20, जरा करके बताएं, टेबल पढ़ के बताएं तो मुझे पता 20 × 5 100। है। हाँ जी 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 100 को 5 से जरब दें तो क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। जजाक अल्लाह खैर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनों के साथ पढ़ने में बड़ा मजा आता है, अल्लाह का बहुत शुक्र ऐसी मैंने अता की। जी, तो बाकी जो है, बाकी 80 दिनार अल्लाह की राह में उस पूरे लश्कर की तरफ से खैरात कर दो। तो खलीफा वक्ता नहीं होता है, लेकिन चूंकि मैंने बात ही ऐसी की थी तो आपने खलीफा वक्ता, और बात हजरत माविया की हो रही, इसलिए हमने खलीफा वक्ता, वैसे बिल्कुल सही कहा आपने कि उसमें हुक्म था आप ससम को कि खुम्स जो है, पांचवा हिस्सा जो है अल्लाह और रसूल का। और अल्लाह रसूल से क्या मतलब, अगर रसूल ससम वही अपनी जो है लोगों पे खर्च कर देते थे, ठीक है। और अब जंगों में जिन्होंने हिस्सा लिया, जो जो लश्कर था, जो आर्मी थी, उसको जो है 4 हिस्से दूसरे जाते थे, सही है। तो देखें आप क्या क्या कुछ नहीं है, कुरान में मैथमेटिक्स भी है, कुरान में क्या नहीं है, सब कुछ है। आप देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, आप लोग सूरतुल अनफाल बहुत अच्छा समझ गए। और ठीक है, चले अब आइंदा अच्छा, माले फे, माले फे का ये तो माले गनी, माले फे क्या होता है, ये तो लड़ाई करके माले गनीमत मिलता है ना। चले होमवर्क है, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग, शुरू की रिकॉर्डिंग सुनिएगा सूरतुल अनफाल की, और मुझे ये सवाल ना भी पूछूं तो याद दिलाइएगा। वैसे वो जवाब है हमारा उस दिन, वो वाला तो वैसे आ गया। मालिफाई जो दुश्मनों से हासिल किया जाता है वो हाँ, वो बगैर जंग के मिल जी, जाता है। बगैर जंग जी। जी, ठीक है, चले अब हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो अब ये जो है सदका, प्योरीफाई एंड सेंटिफाई द मुस्लिम्स, सदका पाक करता है, तज़किया करता है। अब सदके के मुतालिक थोड़ा सा हम तदब्बुर की बात चली है ना, तो तदब्बुर करते हैं कि सदके इस कि में कुरान और हदीस की रोशनी में हम देखते हैं इंशाल्लाह। तो सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है, सदका जो है अशर के रोज जो है उस दिन भी जो है हमारे लिए जो है ठंडक बन के आएगा, सदका बीमारियों को टालता है। और तो हम सदके के हम देखते हैं फायदे के क्या है, सदके के फवायद ना। तो पहले तो सबसे पहले ये आयत अल्लाह ताला ने बताई है, 2 आयतें तो हम पढ़ चुके हैं, जो आज हमारा सबक था सूरतुल तौबा की 103 104। अब आप देखें सूरतुल बकरा की आयत नंबर 261 देखते हैं। मसलुल्लज़ीना युन्फिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाही कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियातु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना हो या एक दाना बोया जाए, उसे 7 बाले निकलें और हर बाल में 100 दाने हो। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफजूनी अता फरमाता है, वो फराक दस भी है अलीम भी है। देखिए कितनी अच्छी मिसाल है कि एक दाना हो, ठीक है, एक दाना हो और एक दाने से 7 बाले निकले, ठीक है, और हर बाल में जो हो 100 दाने हो, तो अल्लाह ताला इतना बढ़ाते हैं। तो आप मुझे बताएं, हर बाल में 100 दाने हो तो 7 बालों में कितने दाने हो गए, 700 700। जी हाँ, 700 दाने। आ तो आप मैथ सिखा रहे, अल्लाह ताला तो 700 दाने हो गए। तो देखिए अल्लाह ताला इस तरह बढ़ाते हैं माल को। तो कभी भी सदका देने से वो ना करें, और जरूर दें, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला बड़ा बड़ा बढ़ा के देंगे ना, यूयू भी सदकात, कि अल्लाह ताला जो है सदकात को बढ़ाता है, और जो है अल्लाह ताला सूद को नहीं पसंद करते हैं ना। तो इतने फायदे हैं। तो अब हम देखते हैं हदीस की रोशनी में, बहुत सारी हदीसें आज हमारे पास हैं, हमारी उज्मा बहन ने बड़ी मेहनत की है तो ताकि हम सदका देने वाले बने, और अल्लाह ताला हमें भी इतने अजर व सवाब हमें भी मिले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चले हम देखते हैं ये वाली आयत पहले, ये जो है आप उनके मालों से सदका लीजिए, ये हमारी आयत थी आज की 103, और जिसके जरिए आप उनको पाक साफ कर दें और उनके लिए दुआ कीजिए। बिलाशुबा आपकी दुआ उनके लिए मौजूद इत्मीनान है, और अल्लाह ताला खूब सुनना सुनता है और खूब जानता है, ठीक है। तो वह तो जक क्या होगा, इस आयत में 3 फायदे बताए गए कि सदके से तो ताहिर हूँ, वह तो जक्की हूँ, वसली अलैहिम। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तुत्ता सबसे पहले क्या बताया गया, तुताहिरहुम, अल्लाह ताला पाक करता है ना। अभी हमने तफसीर में भी पढ़ा कि
कि अल्लाह ताला पाक करता है, गुनाहों से हमें पाक करता है, जाहिरी पाकिजगी भी आ जाती है इसमें सारी, ठीक है। वही उज़्ज़कीहिम, और अल्लाह ताला तस्किया नफ्स का नफ्स करता है, हमें दे हम देने वाले बनते हैं, हमारा दिल बड़ा होता है, शेयर करने की आदत पड़ती है, और गुनाह भी माफ माफ हो जाते हैं, ठीक है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वसल्ली अलैहि, नबी की दुआओं का जरिया बनता है। अल्लाह ताला ने वहाँ हुक्म भी दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप दुआ भी दें, और हमने हदीस भी पढ़ी कि जो है वो जो सदका लेके आए थे अभी औफा को भी अल्लाह ताला ने दुआ दी। तो हम ये सीखते हैं कि एक तो हम पाक हो जाएंगे हमारे गुनाहों से, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। हम सर भी हिला देते हैं गिबत करने वाले के साथ, तो उसमें हम शामिल हो गए, हो जाता है ना बहुत दफा, तो इतना पढ़ के फिर भी जो है कभी सर भी हिला दिया तो गीबत में, वैसे बहुत छोटे छोटे गुनाह हुकुकुल्ला में हुकुकुलिबाद में तो अल्लाह ताला पाक कर देते हैं सदके से हमें, ठीक है। जकात के अलावा सदका भी देना, और फिर हमारे तस्किया नफ्स भी हो जाता है, दिल की तंगी दूर हो जाती है, और जो है लोगों के लिए जो है मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला ऐसा हमारा तस्किया कर देते, इतनी नेमतें और बरकतें हो जाती तस्किया करने से, शेयरिंग की आदत हो जाती, फिर आपसे सबकी दुआओं का जरिया भी है। फिर उसके बाद एक और स्लाइड हम देखते हैं कि फिर गरीबों का भी एहसास हमें होता है ना कि क्या है सदका में। सदके का रूट वर्ड है सदाकतन का स्वाद दाल काफ, यानी सच्चाई, आपको पता है ना। तो किसको कहा गया था, सच्चाई का लकब किसको मिला था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। जी हाँ, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को, क्योंकि वो हर बात की तस्दीक कर देते थे, और उन्होंने मेराज की भी तस्दीक की थी। अबू लहाब नहीं मान के दे रहा था, अबू लहाब जो है आप सत्संग की जबानी सुनता है, अल्लाह के रसूल की जबानी नहीं मानता है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक एक काफिर की जबानी अबू लहाब की जबानी सुनते तो कहते हैं कि जी हाँ मैं तो इस पे यकीन रखता हूँ, मैं तो इससे भी बड़ी बात पे यकीन रखता हूँ कि आप पर तो वही का नुजूल होता है, ठीक है। वो उज्मा जी आप म्यूट कर दें। फिर हम देखते हैं माल देने से ईमान में इजाफा होता है। अभी आपने पढ़ा कि ईमान वाला जो है, आयत में भी पढ़ा ना मंजो थ्री में, कि ईमान जो है पुख्ता होता है कि मैं सब अल्लाह के हर अहकाम पे ईमान लाई, कुरान पे ईमान लाई, लारे बफी, और फिर जो है ये अल्लाह के हुक्म मानने से ईमान में भी बढ़ोतनी होती है, इजाफा होता जाता है। ईमान वाले ही सदका दे सकते हैं ना, तो उसमें इजाफा होता है, बढ़ोतनी ही बढ़ोतनी है, पैसे में माल में बरकतें ही होती हैं, और नेमतों में इजाफा होता चला जाता है। जितना हम सदका देंगे, आप देखें नेमतें देने से माल कम नहीं होता, इजाफा होता चला जाता है। अब ये जो है एक और स्लाइड हम देखते हैं, यही है खुज मिन अमवालिहिम सदकतन सदकतन, उनके माल से सदका लीजिए नबी ससम। तो सदके के फवाइद क्या है, निफाक दूर होता है, ठीक है ना, जो मुनाफिकत होती जो कैफियत होती है वो लोग दिल में कुछ और चेहरे पे कुछ होता है, तो निफाक दूर हो जाता है। फिर माल पाक हो जाता है, जिसमें अभी आयत में हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा, तुताहिरुहुम और वतुज़क्कीहुम, तो माल पाक हो जाता है, नफ्स नफ्स का भी तस्किया होता है, नफ्स को भी पाक करता है सदका देने से। ये अल्लाह ताला की तरफ से सब हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, रसूल सल्लम की दुआ हासिल करने का जरिया बनता है, गमों का इलाज है। जब भी कोई गम हो, दुख हो, परेशान हो, काम नहीं हो रहा है, कोई गम खाए जा रहा है, औलाद का गम है, बच्चों का गम है, शौहर का गम है, कोई भाई बहन सता रहे हैं, ससुराल का गम है, कोई पड़ोसन, कोई दोस्त, कोई कोई भी जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, कोई भी गम हो, तो जो है फौरन सदका दे दें, और गम की दुआ भी हमें आती है वो भी फौरन पढ़ ले। इतना डिप्रेशन होता है, सो जाते हैं, उठा नहीं जाता है बिस्तर से, तो गम की दुआ पढ़ें और फौरन सदका दे दें, तो गमों का भी इलाज हो जाता है, बीमारियों का इलाज होता है। आपको पहले भी मैंने एक वाकया सुनाया था कि एक खातून थी, उन्होंने ये जो सऊदी अरब से, जो आपको पता है इंडोनेशिया से और सब जगह से मेड बुलाते हैं ना, तो उन्होंने मेड एक बुलाई कि वो बीमार थी बहुत, वो खातून कैंसर था, तो उन्होंने मेड बुलाई। तो अब वो मेड आ गई बेचारी, अब उस खातून ने महसूस किया कि ये मेड जो है मैंने बुला तो ली है, इतनी वीजा खर्च करके इतनी इसको तनख्वाह भी दे रही हूँ, बाथरूम में बहुत देर लगाती है, और मैं तो कैंसर के लिए बुलाई हूँ कि मुझे देख के टेक केयर करे मेरी, और पैसा भी इतना दे रही, इतने रियाल दे रही। तो फिर एक दिन उसने उसको पूछा कि भाई क्या बात है, मैं बहुत परेशान हूँ, इतना वक्त तुम बाथरूम में लगाती हो। तो उसने कहा असल में मेरी डिलीवरी हुई, और जब मुझे ये मैंने एडवर्टीजमेंट देखा कि आप कैंसर की मरीज़ है और मुझे पैसा बहुत मिलेगा, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं बेबी छोड़ के आया हूँ, मुझे दूध बहुत आ रहा है, तो मैं उसको जाके निकालती हूँ बाथरूम में। तो वो कैंसरस में जो खातून थी, उन्होंने कहा तुम्हें मैं तनख्वाह भी देती हूँ, तुम्हें तनख्वाह भी दूंगी जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और तुम्हें मैं जो हूँ तुम्हारा टिकट भी देती हूँ, तुम चली जाओ। यकीन करे ये सच्चा वाकया है,
सऊदी अरब में वह उसका जो है कैंसर खत्म हो गया, तो बीमारियों का इलाज भी है, ठीक है ना। तो बहुत से फायदे हैं सदकात है। और मुझे पता है, मैंने देखा रमजान में भी देखा, और मैं जहाँ भी जाती हूँ देखती हूँ, जहाँ बॉक्स होता है डोनेशन का, जिस भी मस्जिद में, जहाँ भी किसी भी दरस में देखती हूँ, हमारी बहनें जो है बहुत डाल रही होती, माशाल्लाह सदका आप लोग बहुत कर रही होती, माशाल्लाह नफली रोजे भी रख रही है। आज भी मेरी कितनी बहनों का रोजा होगा, पीर का दिन है माशाल्लाह, अयाम ईद भी रखती है माशाल्लाह। तो सदके की कुछ मिसालें हम देख लेते हैं स्क्रीन पे, देखें तो इतने खूबसूरत खूबसूरत स्क्रीन है और इतने अच्छे आयतें हैं। तो सदके की कुछ मिसालें, मदद करना, किसी की भी मदद करें, कोई भी मदद अगर आप कर सकती हैं तो मदद करें, क्योंकि जब तक आप किसी की हाजत में, ये भी सदका है, पैसा अगर ना हो तो जरूरी नहीं, और एक दो एक सिंगल भी डाल दें, जितना भी पैसा हो। तो बार दफा ये होता है, ऐसे हालात नहीं होते, डोनेशन बॉक्स नहीं है, तो मदद करना है आपको, यहाँ तो फकीर भी रास्ते में नहीं होते। तो अगर आप किसी की हाजत में लगी रहेंगी तो अल्लाह ताला जो है उस वक्त, जब तक उसकी हाजत में लगी रहेगी, आपके साथ फरिश्ता रहेगा। और अगर दुनिया की किसी में मदद करेंगे, हम हाजत पूरी करेंगे, तो अल्लाह ताला हशर के रोज हमें जो है हमारी हाजत पूरी करेंगे। फिर जो है मुस्कुराना भी सदका है, बुरा चेहरा कोई नहीं पसंद करता। अब ये मतलब नहीं कि मर्दों से मुस्कुराना, मुझे मालूम है आप समझ रही है मेरी बात को, मुरा मुस्कुराना शुरू कर दें, अब पांच दफा क्या होता है, मुंह बनावा होता है, सलाम का भी लोग सही जवाब नहीं दे, दिल ही नहीं करता उन लोगों से बात करने, कोई मुस्कुरा के मिलता है। अब ये क्या कहते हैं, ये अब ये हम सीख रहे हैं कि स्माइलिंग फेसेस, योर फेस शुड बी स्माइलिंग, यू शुड ग्रीट द पीपल विद स्माइलिंग फेस। ये हमें क्या सिखाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दिया कि मुस्कुराना भी सदका है। तो बहुत अच्छे से अपनी बहनों से मिले, बच्चों से, शौहर से, वो दाखिल होते हैं तो हाउ वाज योर डे, मुस्कुरा के, तो उनकी सारी थकावट, आज आपने ये कहना है हाउ वाज योर डे, अनिस साहब तो है नहीं अभी सऊदी अरब है, मैं कल सुबह उनको फोन पे कह दूंगी, क्योंकि जो अमल करना चाहिए ना, जब भी बात हुई मैं कहूंगी हाउ वाज योर डे, तो मैं भूल ही जाती हूँ आजकल उनको पूछते, देखे याददानी हो गई ना, कुरान पढ़ने से कितने सबक मिलते हैं कि घर के भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, हस्बैंड से भी, ठीक है ना। तो फिर यह है कि अच्छा, एक दफा मैं गई मेरी जिठानी के यहाँ, तो मेरे जेठ का बेटा दाखिल हुआ बेचारा ऑफिस से, तो मैंने कहा हाउ वाज योर डे, वो इतना वो बच्चा खुश हुआ है, वो कहता है चाची आज तक मुझे किसी ने, अपने वालदेन के सामने मुझे किसी ने नहीं पूछा कि हाउ वाज योर डे, बीवी भी उसकी शक्ल देख रहे तो उनके घर में ये बुनियाद हो गई हाउ वाज योर डे। तो ये है कि जरूर पूछे, मुस्कुरा के बात करें, मुस्कुरा के मिले, आप कैसी हैं, आपका क्या हाल है, बहुत अच्छे से बात करें, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे, कोई भी कहीं मिलता है, घर वालों को भी, मस्जिद में, पार्टी में, पिकनिक पे जहाँ भी गई है, फिर नसीहत करें, क्योंकि अदीन नसीहा, अब मुसलमान जो है वो है, मुसलमान को तो चाहिए कि वो नसीहत दे और नसीहत ले, मुसलमानों के को लिए जरूरी है। तो अब जो है नसीहत देना, कोई आपको दे तो उसको बुरा ना मनाए, जो आपका दोस्त होगा, जो एक सच्ची मुसलमान होगी, ईमान वाली आपकी बहन होगी, दोस्त होगी, तो वही आपको नसीहत देगी कि अकेले में, कि देखें आप जोर से बोलती हैं, या आपका यार यार बहुत होता है ना लोगों के मुंह पे, तो यार यार बहुत करते हैं लोग, या जो भी अल्फाज बुरा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है, तो आप प्यार से कहें आप तो इतनी प्यारी हैं, ये लफ्ज ना कहें तो कितना अच्छी है, आपकी तो सारी खूबियां हैं। और फिर वो जो नसीहत कर रही है तो वो आपकी हमदर्द है, खैरख्वाह, तभी तो नसीहत करी कि दुनिया में अल्लाह से भी आप अजर समाए, कुलू निन्ना से हुसना, अच्छी बात करके अल्लाह से भी अजर हासिल हो और लोग भी आपकी बात सुनना पसंद करें। तो नसीहत देना भी है और नसीहत कबूल भी करना, आप दीनी बहने कभी बुरा ना माने, जिसको आपसे मोहब्बत होगी वही नसीहत, लेकिन ला युहिब्बुल्लाह, क्या पढ़ा था हमने छठे पारे में, के नसीहत जो है अकेले में करनी चाहिए ना, बुराई पे मुंह नहीं खोलना चाहिए, लेकिन अकेले में आप नसीहत कर सकते हैं। फिर इल्म सिखाना है, आप तजवीज जानती हैं, आप अगर रेसिपी बहुत अच्छी खाने पकाती हैं तो किसी का मील अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, खाना खिलाने पे बहुत जोर है, कोई खातून या कोई अच्छा खाना पका लेंगी, सेहत किसी की अच्छी होगी तो भी सवाब है। कोई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे हमें आजकल बहुत जरूरत है कि कोई हमारी सिस्टर उज़्मा का हमारी कोई साथ दे, और हमें जो है शॉर्ट वीडियोस का बहुत आता है कि हम जब 1 घंटे का लेक्चर करते हैं तो उसमें 2-3 टॉपिक बन जाते हैं बिल्कुल आराम से, तो वो वीडियो को हमें 3-4 वीडियोस में से एडिट कर दे, ठीक है, तो अगर ये कर सकती है तो ये भी सबका जारिया होगा, क्योंकि वो टॉपिक पे छोटे छोटे वो बहुत देखी जाएगी ना, वो व्हाट्सएप पे भेजी जाएगी। तो बहुत काम है फुरकान में, इस मदरसे में जो ऑनलाइन मदरसा माशाल्लाह आपका बन गया है, तो अगर आपके बच्चे करना जानते हैं, आप करना जानते हैं, तो इल्म सीखे सिखाएं, आगे आए, बढ़ के करें, अजर ही अजर है, जितने लोग सुनेंगे तो आपको अजर मिलेगा। फिर दुआ देना, हर वक्त दुआ दें,
अच्छी दुआ दें, हर वक्त दुआ दें। एक दोस्त आई अफाफ की, तो मैंने उसको दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा स्पाउस देगा, यकीन करें। वो लड़की अल्लाह के कलाम, अल्लाह से उसको हो गया कि दुआ में, आंटी दुआ में असर होता है। वो कह रही है आपसे कर रही था। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं, शख्सियत परस्ती मत करो, मुझे मत चाहो, वैसे तुम मोहब्बत करो बेटी की दोस्त समझ के। लेकिन देखो मैंने उसको कहा कि ये अल्लाह से दुआ का नतीजा। वो गई, घर गई है और 2 दिन में उसको रिश्ता आ गया। यकीन करें कोई कबूलियत की घड़ी थी। तो दुआ हर वक्त, अच्छी दुआ। कोई बुरा करता है ना, उसको भी दुआ दे, अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अल्लाह ये मुझसे बहुत, जो बहुत बुरा है तो उसके लिए बहुत दुआ दे, उसको अच्छी वाइब्स जाएंगी। जब जादू का असर होता है हवा से और नामों से, अच्छी तो अच्छी बात का असर तो बहुत ही होगा, अल्लाह उसको दुआ दे, वो आपसे अच्छे ताल्लुकात भी हो जाएंगे और उसको अल्लाह हिदायत भी दे देगा। और वो आपके साथ पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, मस्जिद जाने वाली, आपके साथ पिकनिक पार्टी रखने वाली, दुनिया भी उसके उसकी समझ जाएगी, आखिर भी। और बुराई से रोके, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुल्किन करना है, बुराई से रोकना है। आपने सबके वाकवे में मूसा अलैहि सलाम की कौम को देखा कि उनके साथ क्या हुआ, कि जो लोग 3 गुरु हो गए, अल्लाह ने कहा मछली नहीं पकड़ो, और मछलियां उमट उमट के जुमे की रात से आए जा रही। उनके लिए सब्त होता है हफ्ता, हमारे लिए जुमा होता है, और क्रिश्चियंस के लिए इतवार होती है, जूस के लिए, यहूदियों के लिए हफ्ता होता है। अब उन्होंने क्या किया कि हिला साजी की, अल्लाह ताला को हिला साजी बिल्कुल नहीं पसंद है, जाल डाल देते थे। अब जो अब 3 गुरु होते हैं, हर दफा हर काम में 3 गुरु होंगे हमेशा। एक तो अल्लाह का फरमान मानेगा, काम नहीं करेगा, और दूसरों को मना भी करेगा, करेगा भी नहीं, दूसरों को भी रोकेगा, दूसरों के भी भलाई करेगा कि ये भी जन्नत में जाए। एक क्या करेगा, अल्लाह का बात मानेगा, काम नहीं करेगा, वो अल्लाह का हुक्म मानेगा लेकिन लोगों को नहीं बताएगा। तीसरा गुरु तो होगा ही शर पे, वो तो बुराई करना ही है, उसने तो पकड़ना ही है बुरा काम, वो तो मछलियां पकड़े। अब अजाब किस पे आया, आना तो उस पे चाहिए था ना जो मछलियां पकड़ रहा था, नाफरमानी की थी, उस पे भी आया, और उस पे आया जो खुद तो नहीं करते थे, लोगों को भी नहीं रोकते थे, मना भी नहीं किया। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना है, बुराई से रोकना है। हमारा घर हम कितना भी साफ कर लें, अगर ये हल्के नहीं रखे, पड़ोस तक बात नहीं गई, दीन नहीं फैला, तो कूड़ा और करकट और कचरा और गंदगी हमारे पैरों, हमारे हमारे ही पैरों से हमारे घरों में आ जाएगी। हमारा घर भी साफ नहीं रहेगा, हमारे बच्चों को इर्द गिर्द का माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, तो गंदगी नहीं जाएगी, खत्म नहीं होगी। बच्चों को क्या, किसी को भी, शौहर हो, बेटा हो, कहीं भी जा रहे हो, तो ऐसे हल्के होने चाहिए, ठीक है? सिर्फ घर को नहीं साफ रखना है, बाहर भी नसीहतें करनी है, इस हल्के में जो आपका हो रहा है लाना है, ठीक है? अच्छा, और आप ये क्यों नहीं कहती हैं, आप बार दफा ना लोग डर जाते हैं कि ज्यादा बातें होती होंगी, कुछ बातें करनी पड़ जाती होंगी, कहीं वहां कोई बात नहीं होती है। हाँ, बल्कि तिलावत चल रही होती है, मदरसा शुरू होने से पहले हम तिलावत सुनते हैं, फिर जो है हमसे दुआ सलाम करते हैं, इतना टाइम ही नहीं होता। बल्कि वो तो इतनी खराब हमारी उस्ताजा है, वो तो टाइम ज्यादा ले लेती है हमारे, तो हमें घंटे से ऊपर लगा देती, हमें छोड़ती नहीं है। नहीं, ये मत कहिएगा, नहीं, मैं तो आप लोगों से को अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो और दूसरा ये है कि ना होमवर्क है, ना क्लास वर्क है, ना टेस्ट देना है, ना कोई फीस है, ठीक है ना? उनसे कहिए आप फीस वाले मदरसे में चली जाइए, कहीं भी आप चली जाइए, कहीं भी जुड़ जाए, पहले यहाँ आए, आप कोशिश, यहाँ बुलाएं उनको, कहना कि आप आके देखे, कुछ भी नहीं है, इतना लाइट है, आप जवाब दें तो भी नहीं कोई है, आप सवाल जवाब, कोई पास फेल का चक्कर नहीं, कुछ उनको लाइट करे। और हम ये सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं, हमें ये चेंज आया, ये तो हमें स्टोरी आज जो आपने फिक पे पढ़ी है, एक बात जो है, ठीक है ना, वो बताएं कि इस तरह से है, खुम्स, हमें तो खुम्स का नहीं पता था। यानी क्या है कि अल्लाह के दीन के करीब करें, कि इतना अच्छा दीन में, उसमें मैथ्स भी है, उसमें साइंस भी है, उसमें ये भी है, फिर मुसीबत पर सबर करना, उस पर पूरा एक लेक्चर गया है हमारा, यूट्यूब पे है। और जो है हमने अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ है ना, कि किस्मत पे, तकदीर पे भरोसा होना चाहिए, मुसीबत जो आती है तो अल्लाह के इज़्ज़त से आती है, ठीक है? तो उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, उस पर सबर कर ले, हाय वावेले मचाने से कुछ, चोट पर उसी वक्त सबर करना उस पर अजर है। वह हमें कुछ दिनों बाद तो असर सबर आ ही जाएगा, उस मुसीबत के आदि हो ही जाएंगे, लेकिन मुसीबत के वक्त पर सबर के बस, हाजा कदरुल्ला, ये तो अल्लाह की कदर थी, 50,000 साल पहले लिखी जा चुकी थी, और ये हो के रहना था, और अल्लाह ने लिख दी। अब इसमें भी मेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, मैं सबर करूंगी, इससे निकलने की कोशिश करूंगी, अल्लाह की कुर्बत हासिल करूंगी, खूब सजदे करूंगी, सजदे में अल्लाह के करीब हो जाऊंगी, अल्लाह ताला इस मुश्किल को आसान, उस पे ईमान, फिर ईमान, तवक्कुल, भरोसा, हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कल तो हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, परवरिश करना। परवरिश तो आप बहुत सी चीजों को कर सकती हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश, किसी का बच्चा पाल लिया है तो परवरिश,
कोई परवरिश में नहीं भी है तो उसको जो अपने जैसे बच्चे की परवरिश करते हैं, अच्छी बात बताती, भाई बहनों के बच्चों को वो आए हैं तो उनको अच्छा खाना, फिर कोई अच्छी, पीछे नहीं पड़ जाना है बच्चों से, तो बहुत टेक्टफुली एक अच्छी बात रख दी, तो कोई उनकी गर्ज या जरूरत हो गई तो उस पे आपने कोई बात रख दी कि देखो ये पढ़ लो तो फायदा होगा। जैसे मैं उस बच्ची का बता रही हूँ कि वो कहती है कि वो जब भी अब आती है ना, आंटी प्रे फॉर मी, आंटी प्रे फॉर मी, और इतना अच्छा उसको शौहर मिला है कि मैं बता नहीं करती हूँ, कि रश करे इंसान, अल्लाह सबकी बच्चियों को, सबके बेटा बेटियों को अच्छे जोड़े अता फरमाए। तो हर वक्त दुआ करें, अच्छी बात करें, तो और अपने बच्चों की भी परवरिश बहुत अच्छी करनी, ठीक है। वो बड़े हो गए तो भी जो है वक्तन फवक्तन, ऐसा नहीं कि वो बेजार हो जाएं, बताते रहें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके प्यार मोहब्बत से, कुछ तोहफे दे के, कुछ घुमा फिरा के, कुछ पिकनिक करके, मैं ये तुम्हें दूंगी वो करूंगी, उनके दोस्त बने, उससे बात करें, वरना फिर वो काउंसलर के पास जाएंगे और वो क्या बताएंगे बताएं। जिस तरह आप परवरिश करेंगी, जिस तरह आप नसीहतें करेंगी, जिस तरह आप बुराई से मैं और आप रोकेंगे, जिस तरह हम नसीहतें करेंगे, जिस तरह हम सिखाएंगे इल्म, जिस तरह हम मुस्कुराकर बच्चों से मिलेंगे, हमारा तो मोबाइल में होता है तो वो कहते हैं आप तो मेरी तो देख ही नहीं रही हैं। क्या कहा था लुकमान, हकीम लुकमान ने अपने बेटे से, कि गाल मुंह मुंह उधर करके ना बात कर, गाल अपने घुमा के ना बात कर, फिर आई में आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, आई आंखों में आके डाल के बात करें और तवज्जा दें, तवज्जा से बात करें, वक्त दें, टाइम दें अपने शौहर को, बच्चों को, अपनी दोस्तों को। अगर दीन पे लाने चाहती, कोई कवर नहीं कर रही है, कोई दीन पे नहीं है, नमाजें नहीं पढ़ रही है, तो एकदम आपने मैसेज भेज दिया चलो चलो नमाज पढ़ो, चलो इतने फायदे हैं, चलो नहीं, पहले उससे बॉन्डिंग करें, उससे रिश्ते जोड़ें, अच्छा तुम मेरे घर आओ, तुम्हें क्या पसंद है, फिर उसको देखें उसके क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी बात सुने, उसकी एकदम क्लोज फ्रेंड बने, उसको टाइम दे, फिर उसको लगेगा कि हाँ उसके लिए दुआएं करें। दुआ तो सबके लिए करनी है हमें, क्योंकि फरिश्ते हमें दुआ, वही दुआ हमें मिलती है जो हम दुआ दे रहे होते हैं। हमारे दीन में तो बढ़ोतनी ही बढ़ोतनी है, देखे ना, सदका सदका ही पढ़ रहे हैं ना हम, तो अल्लाह ताला बढ़ा के देगा, युदा उसको बड़ा बड़ा के देता है ना। अभी आपने पढ़ा एक खजूर जो है बहुत पहाड़ बन जाएगी, और एक घोड़े का बच्चा पालते हैं, हमारे बच्चों को पाला, बड़े हो गए, जवान हो गए, फिर उनके बच्चे हुए तो जानवरों के भी बच्चे होते, तो इतना बढ़ाता है। फिर बीमार की आदत करना, जब आप बीमार की आदत को जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते आपकी मगफरत की दुआ करते हैं, और हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, आज जाएंगे कल जाएंगे, वो तो वापिस आ जाता है हॉस्पिटल में, यहाँ तो अलाउ नहीं होता है, घर में भी पता चलता है वो तो सही हो गया, खाना भेजें उसको, बीमार है तो ठीक है खाना नहीं भेज सकती, तो कोई दुआएं लिख के भेजें, चले जाएं, अच्छी बात कर लें, अच्छा फोन कर लें, 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। किसी को खुशी देना, बाद लोग बहुत गमगीन होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उसको समझाएं कि कोई आयत आपने पढ़ी है, अब ये नहीं कि हमें 1 घंटे का लेक्चर दें कि नहीं भाई आप यूट्यूब पे चली जाओ, नहीं, उस वक्त आपको उसकी जरूरत है, उसको तो सुनना ही नहीं चाहता कुछ, वो तो इतना गम में है, कोई खुशी की बात कर दें, बुला लें, खिला लें, खाना खिला दें, भेज दें, उनके घर चली जाएं, कुछ जाके बैठ जाएं, टाइम दे दें, अच्छी अच्छी बातें शेयर करें, जिससे उसको हंसी, आप सब सुनते हो, मजाक में भी सच्ची बात, लव बात नहीं होनी चाहिए, मजाक में भी सच्ची बात, कोई अच्छा वाकया हदीस से सुना दें, कुछ भी सुना दें, कोई आपके साथ हुआ हो, जैसे मैंने अभी सुनाया, मैंने दुआ दी तो वो लड़की जो है वो अल्लाह के करीब हो गई, उसको दुआ पे भरोसा हो गया, इस तरह के आपकी जिंदगी में भी अच्छे अच्छे वाकयात होते हैं, जो फिर इज्जत देना, वलिल्लाहिल इज्जतु जमीअ, सारी की सारी इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत दें, जो भी होता है उसको इज्जत दें, अपने घर आता है इज्जत दें, कहीं मिलती है इज्जत से बात करें, वो बात कर रहा है तो बात काट के दूसरी की तरफ देखने लगते हैं, तवज्जो हम नहीं दे रहे थे, महफिल में हमारा कोई और जो मंजूर नजर हमारी सहेलियां होती है उनसे बात कर रहे होते, एक बेचारी औरत बात कर रही थी उसको हम नहीं दे रहे होते हैं, नहीं, इज्जत दे, सबको इज्जत दे, इज्जत से बात करें, और जो इज्जत नहीं देता, आपको रिगार्ड नहीं देता, आपकी इज्जत नहीं करता, आपको इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस तो हमें चाहिए नहीं, हम तो कुरान के स्टूडेंट है, बहुत बदतमीजी से बात करता है, कुछ भी करता है तो करे, अपने आप को तसली दे कि मेरी तो कोई सही नहीं है, मैं क्या हूँ, वलिल्लाहिल इज्जत ही जमीअ, सा इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन खुद इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। बार दफा हमारे भी बहुत कसूर होते हैं ना, हमारे भी कसूर होते हैं कि हमें, हमारे साथ कभी ऐसी चीजें होती हैं, तो पहले अपना तजिया करें कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा लोगों के साथ, इनको तो मैं इज्जत है, किसी और के साथ तो मैं बुरा सलूक नहीं कर रही हूँ, कोई बच्चे को तो मेरे हर वक्त नहीं झिड़क रही हूँ, या ये कि मैं घर में तो नहीं मेरा बुरा रवैया है क्योंकि जब हम अमल नहीं कर रहे तो बात असर नहीं होती। एक कोई आलिम थे, उन्होंने मस्जिद में जो दीन का दर्स देते थे ना, अपनी महफिल में कोई दर्स दिया होगा,
या पता नहीं क्या कहा उन्होंने, कोई रोजा रखो नफली या क्या, तो वो लोग वो अमल नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा ऐसी क्या बात है, उन्होंने देखा ये जो बात मैं कर रहा हूँ, लेट से नफली रोजे का कर, चले मिसाल के तौर पर, तो वो लोग नहीं रख रहे होंगे जो भी, तो उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। तो बाज दफा हमारी बात का असर इसलिए भी नहीं हो रहा होता है कि हम वो कर रहे नहीं होते ना। या यो लजीना आमनू लिमा तकुलूना माला तफलू, ऐ ईमान वालों वो करते क्यों, वो कहते क्यों जो करते नहीं। अल्लाह ताला का गजब ना कर देते हैं हम लोगों को, कहते हैं खुद नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं या यो लजीना आमनू लिमा तकुलूना माला तफलून, वो कहते क्यों जो करते नहीं हो। तो जो कहते हैं वो करना है, फिर दीन से दूर हो जाते हैं लोग। तो क्या कहते हैं ये लोग, क्या कहते हैं गैर मुस्लिम, क्या कह रहे हैं कि किताब बहुत अच्छी है, दीन इस्लाम बहुत अच्छा है, इसको मानने वाले सही नहीं, इसको मानने वाले अच्छे नहीं, इसलिए वो दूर हो जाते हैं। तो ये भी उनकी गलत फहमी है ना कि वो इनको इतना शऊर नहीं है कि हम किताब को देखें, इनकी तालीमात को देखें, मानने वालों से क्या मतलब, वो लोग नहीं, लोग हमें देख रहे होते हैं। फिर माफ कर देना है, जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया, ये भी सदका है। ये सब सदके की मिसालें पढ़ रही हैं आप, ठीक है। सिर्फ माल देना नहीं, हमारे अमल जो है वो सदका है, मुझे मालूम है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। सदके की कुछ मिसालें, जो माफ नहीं करता उसको माफ नहीं किया जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की बेटी बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा, आप की जोजा मोहतरमा में तोहमत लगी, और मिस्ता आपका कजन शामिल था जिसको आप कुछ वजीफा कुछ खर्चा देते थे महीने का, आपको पता चला वो भी शामिल हो गए। तो आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं इनको जो है मदद नहीं करूंगा। तो फौरन आयत नाजिल होती है कि क्या आप नहीं चाहते कि आपको माफ कर दिया जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते, हाँ जी मैं चाहता हूँ कि क्यों नहीं, हम चाहते हैं हमें माफ कर दिया जाए। उन्होंने उनका वजीफा ज्यादा कर दिया। तो माफ जो नहीं करता उसको माफ नहीं कर किया जाता, आज जाके सबको माफ कर दे, हाँ मैंने माफ तो कर लिया मगर मैं भूलती नहीं। तो फिर क्या माफ किया भाई मैंने और आपने, जब आप भूली नहीं तो आपने माफ ही किया कि भूल जाना है, उस पर मट्टी मट्टी डाल देनी है और जो है माफ कर देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हदीस पढ़ी ना, आप तो कुरान की स्टूडेंट है, रोज ग्रो हो रहे हैं, मैं और आप रोज पढ़ रहे हैं कि एक आदमी था उसने कहा कि मुझे आप सरदस इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा नफरत मुझे जिससे थी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, और आज ये दुनिया के सबसे महबूब तरीन जो है मेरे लिए है आप सरदस समय, क्योंकि आपने उसको दो वादियां भर के बकरी दी कि जाओ इन दोनों वादियों के दरमियान जितनी बकरियां हैं तुम्हारी। और आपने देखा गज़वे तबूक में भी देखा कितना माल बांटा आपने, कितने ऊंट कितने घोड़े कितना कितना लोगों को दिया, और तालीफ़ कल्ब के लिए तो ज़कात भी, आप तो कुरान की स्टूडेंट है, इसी इसी सूरह तौबा में आयत नंबर 60 में आपने पढ़ा है ज़कात का अहकाम है कि तालीफ़ कल्ब के लिए, कि लोगों का दिल मौलफुल कुलूब, लोगों का दिल दीन की तरफ लाने के लिए जो है क्या करो, पैसा दो, सदका दो, खैरात दो, ज़कात हो तो ज़कात की मदे, तो जो है आप माफ कर दें, सबको माफ कर दें। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं डबल पैसा दूंगा, और आपके अल्लाह के रसूल सस्म भी देते गए, लोग दीन की तरफ आते गए, तो हजरत अबूबकर सिद्दीक ने उनको डबल वजीफा देना शुरू कर दिया ताकि वो आइंदा ऐसे काम ना करें। तो ये ईमान वाले, ये सहाबा कर, वो भी मुसलमान थे सहाबा कराम, इतना ये दी इस्लाम दीन इतना अच्छा और इनके इतने अच्छे अमाल हैं, तो एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड। आप जॉब, ये नहीं जरूरी कि हर कोई अल्लामा बन जाए, अभी सूरह तौबा में ये आयत भी आ रही है कि हर कोई अल्लामा नहीं होगा, चंद लोग जाएं और चंद लोग, बहुत अल्लाह का कलाम तो पूरी अच्छी अच्छी आयतें, हमारा तस्किया और हमारी ततीर और हमारा तस्किया हो रहा है। तो माफ कर देंगे तो अल्लाह ताला भी हमें माफ कर देगा, जिस तरह से अबू बकर सिद्दीक का वाकया, और ऐसे बहुत से आपसे समझे तो वाकया मिलते। आपने तो फातह मक्का है, मक्का फतेह कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कहा था, क्या आयत कही थी बताएं, यूसुफ अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, कौन बताएगा? हाँ यूसुफ, सूरह यूसुफ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही अल्फाज कहते हैं, ला तसरीबा अलैका यौम, आज तुम पर कोई जो है गिरफ्त नहीं है, यूसुफ अलैहि सलाम ने भी यही कहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, फातह मक्का है और ये लफ्ज कह रहे हैं, और ए फना तुम्हारे घर में पना दे दो तो माफ हो जाएगा, ए फना के घर में चले जाओ तो माफी हो जाएगी, मतलब कत्ल और गारत गिरी के, क्योंकि मक्का में तो हरम में तो हराम है ना, कोई भी इस तरह की चीजें हराम है, यानी वहां तो कीड़े को मारना भी हराम है, इल्ला ये कि कोई मूजी मूजी जानवर हो सांप, वो जो आपको काट ले उसको हलाल है, उसको कर सकते, बाकी वहां तो हराम है। नरमी से बात करना, आराम से बात करें, कूलू लिन्नासि हुस्ना, जोर जोर से बात करना, चीख चीख के बच्चे क्यों नहीं सुन रहे, बहुत नरमी से,
आप तो कुरान की स्टूडेंट हैं, मेरा और आपका तो लहजा बहुत नरम होना चाहिए। अब ये तो मुझे जोर से बोलना पड़ता है कि आप लोगों को आवाजें जाएं, बहुत नरमी से, बहुत फर्क पड़ेगा। स्वीट वर्ड स्मेल द स्टोन, ये हमें बता रहे हैं, हमें तो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने पहले ही बता दिया कुरान में भी, यकूलु लिन्नासि हुस्ना, और हर नेकी सदका है, छोटी सी छोटी नेकी भी करने से गुरेज ना करे। खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका होता है, ट्रांसपेरेंट सी चीज है, वो भी देने से गुरेज ना करे। किसी को रही सही रास्ता दिखा दें कि भाई फला रास्ता, किसी को रास्ता नहीं पता होता है, किसी को एड्रेस दे दें कि ऐसे चली जाए ऐसे चली जाए, किसी भी तरह का सही रास्ता। कोई इमिग्रेंट्स आते हैं उनको बिजनेस बता दें। अक्सर ये होता है कि आप नए मुल्कों में नए शहरों में इमिग्रेटर लेके आते, इमिग्रेशन लेके आते हैं, सही सगे खूनी रिश्ते आपको जगह नहीं बता रहे होते हैं, क्या बिजनेस करो, कहाँ घर लो, क्या करो। सही रास्ता दिखाने में दीन का रास्ता भी है, दुनियावी भी चीजें भी हैं। आप अगर कोई स्किल जानती, आप पैसे वाली नहीं है, आपको कोई बिजनेस पता है, आपको कोई हुनर पता है, आप बता दें उनको, अल्लाह ताला उनको उनको आप बता देंगे, हो सकता है आपको भी रिस्क में बरकत हो जाए, उनको रिस्क बढ़तावा मिलेगा। तो हम छुपा छुपा के कहाँ ले जाएंगे, ये जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, सब यहीं रह जाएगा, हमारे साथ दफन हो जाएगा, हमारे दिमागों में जो है, हमारे जहनों में जो है, जो नॉलेज है हमारे दिलों में जो है, बांटे बांटे खैर को बांटे, जो आता है दे दें दे दें, सदका है सदका कर दें, निकाल दें पैसों के अलावा, ये सारी चीजें, तकलीफ दे चीज हटा लेना, केले का छिलका हटा लिया झुक के, मैं क्यों सड़क पे झुकूं, मेरे हाथ क्यों गंदे करूं, टिश्यू तो होता है ना पर्स में, वेट टिश्यूज होते हैं, उठा लें। कोई केले के छिलके से फिसल गया, आपको पता है कि हड्डी टूट जाती है, और फिर वो जो है हिप्स की हड्डी अक्सर लोगों की टूट जाती है, और जो है वो क्या लगती है, स्टील की रॉड लग जाती है, अल्लाह ताला बचाए। तो ये तो काफी डिटेल है, इसको हम करना चाहे तो 2 घंटे का लेक्चर हो जाए, आपको मालूम है नेकी के क्या क्या काम है, ठीक है। बस अब कुछ अहादीस देख के 5 मिनट में हम खत्म करते हैं, हमारा तो टारगेट 106, पता नहीं कितनी आयत करने को था, लेकिन ये कि बात हो, डिटेल में हो, अच्छी तरह हो जाए, तफसील से हो जाए, दिलों पे असर वो कर जाए, वो ज्यादा अच्छी है कि हम दौड़ लगाएं और पूरी पूरी कुरान खत्म कर लें, समझ के करें ना, तफक्कुर और तदब्बुर हो, ठीक है। तो तकलीफ दे चीज भी दुनिया हटा लें, अपने घर में भी, इवन अपने घर में भी, ठीक है ना। तो एक पेंसिल का बॉक्स घर में रखा हुआ था मेरे, मेरी बच्चियां छोटी थी, वो गोल कलर, कौन सा अजीब अजीब प्यारे प्यारी चीजें होती है ना बच्चों की, तो स्कूल की, इतना बुरा पैर फिसला, घर में भी हो जाते, एक्सीडेंट के फ्रैक्चर हो गया, तो उठा ले आप उसको, कोई बात नहीं, इंतजार ना करें, तो अपने घर वालों को भी बचाएं और बाहर भी इंशाल्लाह। चले अब हम हदीसे मुबारका देखते हैं, चले और फिर उस पर खत्म करते। थोड़ी सी हदीसे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें सिखाया सदके के लिए। एक तो ये थी आयत हमने पढ़ ली थी कि एक बाली हो उसमें 7 बाली हो, और हर बाली में 100 दाने हो, तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, 7 × 100 तो 700 दाने, ठीक है। सदके में जल्दी करना है, सदका करो, एक ऐसा जमाना भी तुम पर आने वाला है जब एक शख्स अपने माल का सदका लेकर निकलेगा और कोई उसे कबूल करने वाला नहीं पाएगा। इतनी दौलत होगी कि सदका लेने वाला नहीं होगा, उससे पहले सदका कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हदीस देखते हैं हम सदके की, के इत्तकुन नारा वलो बिशिक की तमरी, के जहन्नुम की आग से बचो अगर खजूर के एक टुकड़े के जरिए ही हो। मैं सिर्फ मतन पढ़ रही हूँ, ठीक है, हदीस नंबर भी स्क्रीन पे, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी ना, सिर्फ मतन और तर्जुमा पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो रावी कौन है और हदीस का नंबर क्या है उसका टाइम नहीं है, लेकिन आपके सामने सब है। फिर दूसरी हदीस, तीसरी हदीस देखते हैं नेक्स्ट। दरख्त लगाना सदका है, जो मुसलमान, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाने या खेती में बीज बोए, फिर उसमें से परिंद या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो उसकी तरफ से सदका है। तो जरूर दरख्त लगाएं, अपने हाउसेज में तो दरख्त लगाएं, लोगों को तलकीन करें, क्योंकि उसके साये में बैठेंगे तो भी हमें वो भी सदका है, जानवर खाएगा परिंदा खाएगा तो भी सदका है, ठीक है। अपने मुल्कों में जाती वहां अगर आपके घर है तो जरूर दरख्त लगाएं, ठीक है। और यकीन करें, मैंने मेरे बच्चों को शौक था तो रेहान ने और अफाफ ने आम के वो बीज डाल दिए, वो बहुत आम का दरख्त बहुत देर में आता है, यकीन करें मैं गई हूँ तो पड़ोसी इतने खुश के, वो हमारा आपके घर से हमारे घर में गिर रहा था, और जो आम हमने एंजॉय किए, आप सोचे आज मुझे ये हदीस, उस वक्त तो नहीं समझ में आया, याद नहीं रही, भूल जाते हैं हदीस, आज मुझे हो रहा है कि अल्लाह मुझे सवाब मिला होगा, ये अल्लाह मुझे सवाब दे दे, और रेहान नफा को छोटे से बच्चे थे उनको भी सवाब मिला होगा कि पड़ोसियों ने आम खाए, और क्योंकि घर तो बंद था पड़ोसियों ने आम खाए, जो भी जाता था घर में वो भी आम खाता था। चले नेक्स्ट हदीस, चले तो सवाब मिला ना। अच्छा, सदका रब, सदका जो है रब के गुस्से को ठंडा करता है, सदका रब के गुस्से को बुझा देता है और बुरी मौत से बचाता है।
अभी मैंने आपको बताया कि वो औरत का कैंसर खत्म हो गया, उसने उसको 2 महीने की तनी सालों की तनख्वाह भी दे दी, टिकट भी दे दिया। उसके बाद हम देते हैं कसरत से सदका करना, कैसे रसूल अल्लाह ने फरमाया जब भी कोई आदमी सदका करता है तो वो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ता है। जब आप शैतान के जबड़े ही तोड़ देंगी तो वो कहाँ से आप पे असर करेगा, कहाँ से आपको बहकाएगा और बरगलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, एक शख्स साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है और क्या अगर मैं उनकी तरफ से खैरात कर दूँ तो उन्हें फायदा पहुँचेगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ पहुँचेगा। उसने कहा मेरे पास खजूरों का एक बाग है, मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसे अपनी माँ की तरफ से सदका कर दिया। अब अक्सर हम एक दूसरे को फोन करते हैं कि अब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद का, सास ससुर का, भाई बहन, जो भी अपने प्यारे, तो उसकी तरफ से भी आप सदका कर सकते हैं। उन्होंने खजूर का एक पूरा बाग इस सहाबी ने अपनी वालदा के लिए कर लिया। तो अपने जो है आपके प्यारे फौत हो चुके हैं, जाकर उनके लिए भी सदका करें। फिर एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद वसीयत के बगैर इंतकाल कर गए और माल भी छोड़ गए, अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूँ तो क्या उनकी तरफ से कफारा हो जाएगा? तो उनके लिए मौजूद निजात है, निजात मतलब उनके लिए निजात का बाइस हो जाएगा। तो आप सत्संग ने फरमाया हाँ, अगर वालदेन माल छोड़ के गए हैं, वसीयत भी नहीं कर गए, अव्वल तो जो है वसीयत जो है सूरह निसा के उसके मुताबिक हो जाएगी, तो लेकिन कुछ और माल भी है तो उसका सदका कर दें। फिर हम देखते हैं एक और हदीस, रसूल ने फरमाया जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया है, जो भी काम किए वो सदका जारिया, दूसरा ऐसा इल्म है जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। तो आप इल्म हासिल करें, इसको शेयर करें, इस महफिल में बुलाएं, इसकी ऑडियोज वीडियो इसकी वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं। और मैं रोज़ देख रही हूँ बढ़ भी रहे हैं, आप लोगों ने पाकिस्तान इंडिया अपने मुल्कों से भी बना लिया और फेसबुक पे भी होती हैं हमारी ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा, और इसकी रिकॉर्डिंग जो नहीं आते तो आप रिकॉर्डिंग भेज दें, तो इसका भी आपको इस इल्म से जितना लोग आपके हाथों के आपके क्लिक क्लिक से लोग फायदा उठाएंगे तो वो भी आपके लिए सदका, आपके मरने के बाद तक उसका सवाब मिलेगा। और तीसरा नेक और साले औलाद है जो उसके लिए दुआ करे, औलाद अगर शादीशुदा भी हो गई है तो थोड़ा थोड़ा उनको बताते रहें, समझाते रहें और कोशिश करते रहें, अपनी हुज्जत तमाम कर दें कि अल्लाह मैंने, वो नहीं सुनते मुझे पता है आप कहेंगे नहीं सुनते, लेकिन कभी एक ऐसा मौका आता है बैठ के बात हो रही होती, यकीन करें वो हो रही होती, पता चलता है यकीन है ना। उसके बाद जो है खर्च करने वालों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हर दिन सुबह के वक्त 2 फरिश्ते नाजिर होते हैं, उनमें से एक कहता है अल्लाह खर्च करने वाले को बेहतरीन बदला अता फरमा, खर्च करेंगे तो फरिश्ते दुआ करेंगे और बेहतरीन बदला देगा, और दूसरा कहता है अल्लाह रोकने वाले के माल को तबाह कर दे, जो जो अपना माल खर्च नहीं करता है उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं उसको तबाह कर दे। और आपने जक़ात के मतन में भी पढ़ा था कि जो जक़ात नहीं देता उसको एक सांप डसेगा और कहेगा कि मैं तेरा कंज हूँ, मैं तेरा खजाना खजाना हूँ जिसे तू जोड़ जोड़ के रखता था। खर्च करने, अगली हदीस देखते हैं, खर्च करने में खैर और खर्च ना करने में शर है। अगली हदीस आपका स्क्रीन, हाँ, हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा रसूल सल्लम ने फरमाया आदम के बेटे बेशक तू जरूरत से जायद माल खर्च कर दे ये तेरे लिए बेहतर है, आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा जो कुछ भी है उसको खर्च कर दें, आज जाके अपने वार्डरोब्स खोलें, कोई नहीं पहनेगा, बेटी भी नहीं पहनेगी, नवासी भी नहीं पहनेगी, और उसको खर्च कर दे। और बेटी से कहें कि शादी का जोड़ा जो मैंने दिया है बहुत पसंद है, वो भी अपनी बेटी के लिए नहीं रख, किसी गरीब की शादी करवा दो, ठीक है, ये तेरे लिए बेहतर है। बर्तन भी निकाल दें, अब तो संभालना मुश्किल हो गया है, मेरे और आपके कैबिनेट्स बंद नहीं होते, ये तेरे लिए बेहतर है, और तू इसे रोके रखे तो ये तेरे लिए बुरा है, अगर खर्च कर देंगे जायद माल तो हमारे लिए बेहतर है, अगर उसे रोकेंगे तो बुरा है, और गुजर बसर जितना रखने पर तुम्हें कोई मलामत नहीं की जाएगी, जितनी जरूरत है उस पर कोई मलामत नहीं, उतना उतना रख सकते हैं, और खर्च का आगाज उनसे करो जिनके लिए, जिनके खर्च के तुम जिम्मेदार हो, और किसके खर्च, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर, किनके खर्च के हम जिम्मेदार है, शौहर जो है, बीवी, बच्चों, वालदेन, ठीक है, उन पे सबसे पहले घर वालों पे खर्च करना है, फिर जो है बाहर वालों पे खर्च करना है, जकात भी पहले रिश्तेदारों को दें फिर बाहर वालों को दें, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, क्योंकि तुम देने वाले बनो, देने वाला हाथ ऊपर होता है, वो हदीस पीछे दिखा है, और लेने वाला हाथ नीचे का होता है,
ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, तो देने वाले बने, देने वाला ऐसे करें अपना हाथ, देने वाला ऊपर जाता है, लेने वाला करें अपना हाथ, लेने वाला नीचे जाता है, देखें देने लेने वाला यूं करता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो अल्लाह ताला हमारा हाथ देने वाले का रखे, लेने वाले का ना रखे, हमारा हाथ ऊपर वाला रखे नीचे वाला ना रखे, क्योंकि ऊपर वाला हाथ बेहतर है। फिर हम देखते हैं गुनाहों की माफी मिलती है, गुनाह धुल जाते हैं। नबी ससम ने फरमाया के सास वो कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह से सुना कि वो काब बिन उजरा से फरमा रहे थे कि ए काब बिन उजरा, सदका गुनाहों को इस तरह से मिटाता है जैसे पानी आग को मिटा देता है। तो गुनाह भी धुल जाएंगे, जैसे आग जल रही हो आप पानी डालें तो आग मिट जाती है, इस तरह सदका गुनाहों को मिटा देता है। ठीक है, रिश्तेदारों पर खर्च करना। नेक्स्ट हदीस, रसूल अल्लाह सच ने फरमाया जो शख्स सिला रहमी की खातिर अतिया देता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसे ज्यादा अता फरमाता है। सिला रहमी क्या है? माँ के रहमी रिश्ते, रिश्तेदारों को तोहफे दें, अतिया दें कि रिश्तेदारी बढ़े, रिश्तेदार खुश हों, तो सिला रहमी को देते हैं। सिला रहमी की खातिर तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसे ज्यादा अता फरमाता है। अल्लाह ताला ने रहम से फरमाया कि तुझे पसंद है जमीन व आसमान बनाने से पहले कि जो तुझे जोड़े उसे मैं जोड़ूं, जो तुझे काटे मैं उसे काटूं। तो अगर हम रिश्तेदारों को जोड़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी जोड़े रखेगा, वरना वो रहम के रिश्तों को अगर हम काटेंगे तो अल्लाह भी काट देगा। और अगर एक और हदीस है कि अगर लंबी उम्र चाहिए, रिश्ते में कुशादगी चाहिए, ज्यादा रिश्ते चाहिए, तो सिला रहमी निभाओ, रहम के रिश्ते निभाओ। रहम के रिश्ते जो एक माँ जाए भाई बहन, जो एक रहम से, माँ के रहम से पैदा हुए हमारे भाई बहन, उसके बाद फिर और दूसरे आते हैं, खाला खालू नाना नानी चचा चची, ये सारे बाद में आपको पता है सब, पहले तो रहमी रिश्ते हैं। ठीक है, तो उनसे करें और बाद में दूसरे सारे वालदेन के रहमी रिश्ते, फिर ससुराल सब कुछ। रसूल अल्लाह ने फरमाया बेशक सबसे अफजल सदका वो है जो अपने उस रिश्तेदार पर किया जाए जो पोशीदा दुश्मनी रखने की बिना पर तुमसे एराज करे। हमें पता भी नहीं होती, छुपी दुश्मनियाँ रिश्तेदारों के दिल में होती है, तो वो एराज बरतते हैं, हमसे मिल नहीं रखते हैं, पता नहीं दिल में क्या पाल रहे होते हैं हमारे खिलाफ, पोशीदा पोशीदा दुश्मनियाँ। तो अफजल सदका वो है कि उस रिश्तेदार पर खर्च किया जाए, ठीक है, जो एराज बरसता है, दिल में दुश्मनी रखता है। फिर नेक्स्ट, मस्जिद में मुसाफ रखना। रसूल अल्लाह ने फरमाया सात चीजों का सवाब बंदे की मौत के बाद भी जारी रहता है। ये सब जो पढ़ी मेरी बहनों सदके में आती है। ठीक है, जब क्या सात चीजें हैं? जब वो कब्र में होता है तो क्या सात चीजें हैं का सवाब मिलता है मरने के बाद? जिसने इल्म सिखाया, नंबर वन, नहर बनवाई, कुआं खुदवाया, अपने मुल्क में जाके नहर बनवा दें अगर बहुत पैसा है, नहीं तो अपने मुल्क गांव शहर का करिया बस्ती में कुआं खुदवा दें, गांव में बहुत जरूरत है, अगर इतना भी पैसे नहीं है तो वाटर कूलर जगह जगह रख दें। ठीक है ना, मोहल्ला कोई ऐसा मोहल्ला है पानी चला तो इलेक्ट्रिकल कूलर रख दें, पानी वाले भी पैसों से आके डाल जाते हैं उसमें पानी के कैन, तो ऐसा कोई इंतजाम कर दें। ठीक है, बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं मोहल्ले के, वो भी पानी पियेंगे, दरख्त लगा दें। अभी मैंने आपको हदीस आपने पढ़ी थी कि उसमें से परिंदे खाएं, जानवर खाएं तो सवाब होगा। इवन जानवर भी तो जी जान है ना, जी रूह है, उनको भी तो भूख लगती है, उनको खिलाना भी सवाब है। क्यों पानी पिलाने वाली वैश्य औरत जन्नत में चली गई कुत्ते को? क्योंकि कुत्ते को भी तो प्यास लगी, वो भी तो जानदार है ना, तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में डाल दिया था। तो दरख्त लगवाया, उसके साये में कोई बैठ जाएगा, वही देखे ना उन्होंने क्या किया था, मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के साये में बैठ गए, चले थे ना मिस्र से मदियन चले और साये में बैठ गए थे दरख्त के, फिर वो दो लड़कियां आई, वो जो भी वाकया है, फिर उनको अल्लाह ताला ने रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर बोला, तो बीवी भी मिल गई, घर भी बस गया, जॉब भी मिल गया, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको रख लिया। तो दरख्त के साये में मतलब ये था कि सबसे पहले दरख्त के साये में बैठे, तो कहीं कोई साया नहीं होता, दरख्त में साये में पना लेता इंसान। मस्जिद बनवा दें, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कबूतर जितनी मस्जिद बना दो, मतलब ये कि बहुत छोटी, ये ना सोचें कि कच्ची है, छत भी कच्चा है। बार दफा इंसान सफर में मुसाफिर होते हैं तो बस एक जगह, एक सराया चाहिए होता है, एक मस्जिद चाहिए होती है नमाज पढ़ने के लिए। तो जितने लोग नमाज पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेंगे, आप बनवाएंगी तो आपके वालदेन के लिए सदका जारी, बढ़ोतनी होगी, इजाफा होता जाएगा। एक आदमी उठेगा कहेगा मेरे तो सबको पता है ना कि हमें पता है हमारे अमल क्या है, तो मेरे तो अमाल नहीं थे, मेरे दर्जात इतने बुलंद थे, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तेरी औलाद नेक थी, वो नेक काम कर रही थी। तो मस्जिद बनवा दें, जितने लोग नमाज पढ़ेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा। किसी को कुरान के मुसहफ का वारिस बना दिया, कोई कुरान बांट दिया करें, सबको कुरान दे दें, तफसीर वाले तर्जुमे वाले, वो जितना पड़ेगा एक एक हफ्ते 10-10 नेकियों का सवाब।
या औलाद छोड़ी जो इसके मरने के बाद उसके लिए इस्तफार करती है, नेक औलाद छोड़े, औरत की अच्छी तबीयत करें, अब नवासे नवासी यहाँ पास है उनकी तबीयत करें, ठीक है, वो भी बड़ी हो गई हूँ तो नानी से तो बहुत, नानी दादी से तो बहुत बच्चे खुश होते हैं, बात सुनते हैं, तो ये सारी सदकात पे। एक और आखिरी रह जाती है, आजी इख्तियार करने का अजर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अल्लाह से रिवायत की के आप सबसे ने फरमाया, सदके ने माल में कभी कोई कमी नहीं की और माफ़ करने से अल्लाह ताला बंदे की को इज्जत ही में बढ़ाता है, सदका करेंगी तो कमी नहीं होगी, माल बढ़ेगा और किसी को माफ़ कर देंगी तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, और कोई शख्स सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर तवाज़े इनके सारी इख्तियार नहीं करता मगर अल्लाह ताला उसका मकाम बुलंद कर देता है, अल्लाह के लिए इनका सारी इख्तियार कर ले, तवाज़ा इख्तियार कर ले, बार बार जो आपसे का ताल्लुका तोड़ता है उसको फोन कर लें, गिर जाएं, ह्यूमिलिएट हो जाएं, अल्लाह के लिए इंतजारी तवाज़े हर बात में, किसी भी काम में हर बात में इंतजारी तवाज़े इख्तियार करें। मी 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 तो मैं तो कुछ है ही नहीं ना, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, कोई हकीकत ही नहीं, सारी इज्जत के लायक तो अल्लाह की जात है, हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, एक नुतफे से पैदा हुए हैं, अल्लाह कहते हैं कि तुम तो एक नुतफे से बूंद बूंद से पैदा हुए, तुम्हारी हकीकत क्या है, और मर के जो है मट्टी में मिल जाना है, तो हमारी कोई हकीकत नहीं, हमारी तो सही नहीं है, अल्लाह के लिए गिर जाए, ह्यूमिलिएट हो जाए। फिर हम देखते हैं दो और हदीसें हैं कि रसूल ने फरमाया, बेहतरीन दिनार जैसे इंसान खर्च करता है वो दिनार है, जो जिसे वो अपने अहलो आयाल पर खर्च करता है वो दिनार है, जिसे इंसान अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए अपने जानवर सवारी पर खर्च करता है, और वो दिनार है जिसे वो अल्लाह के रास्ते में अपने साथियों पर खर्च करता है, तो इन सब मद में खर्च करें। उसके बाद बेटियों और बहनों पर खर्च करना, कभी भी ये ना सोचे बहुत सी बेटियां हैं, कोई बहन तलाक वाली आके बैठ गई है, नहीं, अल्लाह ताला क्या आप ससम क्या फरमाते हैं, रसूल असम को ये फरमाते हुए सुना, जो आदमी दो बेटियों या दो बहनों या दो रिश्तेदार लड़कियों पर सवाब की नीयत से खर्च करता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन दो बच्चियों को अपने फजल से गिना कर देता है या उनको किफायत करता है, तो उसके लिए आग से पर्दा, जब तक बेटियां या बहनें घर में हैं उनको उनकी किफालत आप कर रही हैं, आपके शौहर खिला पिला रहे हैं, उनका नान नुका, उनके कपड़े, तो जब तक शादी नहीं होती है तो जो है सवाब की नीयत से खर्च करो, तो उसको अल्लाह ताला जो है आपको बहुत अजर देगा, अल्लाह ताला उन दो बच्चों को अपने फजल से गिना कर देता है या उनको किफायत करता है, तो वो उसके लिए आग से पर्दा होंगी, तो अल्लाह ताला आग के अजाब से बचा लेगा। तो एनकरेज करें ऐसी बेवाओं को, ऐसी जिनकी शादियां नहीं घर में रखने से, और रसूल ने फरमाया अपने मरीजों का इलाज सदके से क्या करो, एक मिसाल थी वो मैंने बताई थी कि फौरन जब बीमार हो तो सदका कर दे दिया करें, ठीक है। बारकल्ला फी इल्मिक व मालिक व रिज़्क़ुक व अवकातुक व अहलुकुम व मालुकुम, रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। आपका टाइम सॉरी ज्यादा हो गया, तो लेकिन हमारा तो टारगेट ज्यादा था, लेकिन अल्लाह को जितना मंजूर था उतना हुआ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम लोग जो है इंशाअल्लाह हमारी बुध को होगा दर्स, इंशाअल्लाह बुध को हाजिर खिदमत होंगे इंशाअल्लाह। तो जो है अगर आपने कोई बात रखनी हो तो आप लोग रखें अपनी बात, इस इन आयात के बारे में, सदके के मुतालिक आपको कोई फ़ायदा हुआ, मैंने तो सब बता दी मिसालें जो जो मुझे फ़ायदे हुए थे, अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें।